हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू में स्टडी कर रहे हो, अपने इग्नू स्टडी करने वाले हो, तो आपको असाइनमेंट किस तरीके से बनाना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। देखिए गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, कि इग्नू में असाइनमेंट में पास होना और थियोरी सब्जेक्ट में पास होना दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप ओनली थियोरी में पास हो जाते हो और असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया, या आपने असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए, पास नहीं हुए, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं माना जाएगा, आपकी बैक लग जाएगी और आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। इसलिए असाइनमेंट में अच्छे से लिखना, असाइनमेंट को अच्छे से सबमिट करना, तरीके से करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जितना जरूरी पास होना है आपको थ्योरी में, उतना ही जरूरी है आपको असाइनमेंट में पास होना, तभी आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आपको उस सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको समझा दूँ कि मैं इस चैनल पे आपको इग्नू से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूँ। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ के यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है, कैसे बनाना है, सबमिट कहाँ पे करना है, किस तरह की पेजेस यूज करने हैं और कौन सा पेन आप यूज करेंगे, कौन कौन से पेजेस लगाने कंपलसरी हैं, फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से बिना स्किप किए हुए पूरी देखिए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो गाइज देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पेजेस की, कि आपको पेजेस किस तरह के यूज करने हैं अपने असाइनमेंट में। तो यहाँ पर दो तरह के पेजेस होते हैं, एक होते हैं लाइनिंग वाले पेजेस जिसमें आगे भी लाइनिंग होती है और पीछे इसकी बैक साइड में भी लाइनिंग होती है। तो अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट सब्जेक्ट है जो कि कंप्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी डायग्राम वगैरह नहीं बनाना आपको, तो ऐसे में आपको इस तरह की पेजेस यूज करने हैं जिसमें दोनों तरफ लाइनिंग होती है, आगे भी लाइनिंग होती है, पीछे भी लाइनिंग होती है। और अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जिसमें आपको वहाँ पर ग्राफ वगैरह बनाने पड़ते हैं, और अगर हम बात करें किसी दूसरे सब्जेक्ट की जहाँ पर डायग्राम बनाने जरूरी हो जाते हैं, तो ऐसे में गाइज आपको एक तरफ लाइनिंग वाले और एक तरफ ब्लैंक पेजेस यूज करने पड़ेंगे। तो ये गाइज डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे कि आपका सब्जेक्ट किस तरीके का है। नेक्स्ट गाइज इसमें आता है आपका पेन, कौन सा पेन यूज करना है आपको। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा बॉल पेन, क्योंकि जेल पेन में क्या होता है कि जो आपकी इंक होती है वो बहुत ज्यादा निकलती है, तो ऐसे में वो जो आपका पेज है वो खराब हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखोगे और उसका जो इंक है वो पीछे की साइड पे पहुंच जाएगी, तो आपका जो पेज है वो एक तरीके से बहुत ही गंदा लगता है दिखने में पीछे से, इसलिए आपको मैं जेल पेन रिकमेंड नहीं करूंगा, जेल पेन बिल्कुल यूज ना करें, बॉल पेन यूज करें। और गाइस दो ही कलर के पेन आपको यूज करने हैं, पहला पहला कलर है आपका ब्लू कलर और दूसरा है आपका ब्लैक कलर, इन दोनों को यूज करना है। ना तो आपको ग्रीन यूज करना है, ना ही आपको रेड यूज करना है। रेड तो गलती से भी मत कर लेना, बिकॉज रेड पेन से तो कॉपी चेकिंग की जाएगी, तो ऐसे में आपको रेड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ब्लू और ब्लैक ही यूज करें। हेडिंग डालने के लिए आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, तो ये आप पेन का थोड़ा ध्यान रखिए। इसके बाद गया जाता है आपका पेजेस। तो गाइस पहला पेज देखिए, असाइनमेंट में पेजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग के जो तीन पेज हैं, अगर स्टार्टिंग के तीन पेज आपने नहीं लगाए तो आपका असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट कॉपी चेक नहीं करी जाएगी, आपका असाइनमेंट जो है वो चेक ही नहीं किया जाएगा। तो पहला पेज आता है आपका फ्रंट पेज, दिस इज द फ्रंट पेज, और इसी को लगाना है आपको, कंपलसरी है लगाना है। ये जो फ्रंट पेज है इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप सिंपली गूगल करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे आपको लिखना है, गूगल पे क्या लिखेंगे आप, इग्नू इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज, आपको ये जब गूगल करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आप सिंपली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे दिए हुए लिंक पे डाउनलोड करें, आप सिंपली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। गाइस देखिए, इसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है एनरोलमेंट नंबर, देन लिखना है आपको अपना नेम, कंप्लीट नेम लिखना है आपको, देन आपका एड्रेस लिखना है, ये आपका खुद का एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हो, ये आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। देन उसके बाद इसमें लिखना है आपको प्रोग्राम टाइटल। अब ये प्रोग्राम टाइटल का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर आप MBA कर रहे हो, तो अगर आप MBA कर रहे हो तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा MBA। अगर आप BBA कर रहे हो इग्नू से, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा BBA। अगर आप BCA कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BCA। तो जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो एक बार चेक कर लेना, अपने जहाँ जो आपने फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म में चेक कर लेना, उसमें लिखा होता है कि आपका प्रोग्राम टाइटल क्या है, तो उसको एक बार जरूर चेक करें, आपको वही यहाँ पर लिखना है। देन इसमें आएगा आपका कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल का मतलब है कि सब्जेक्ट का नेम, किस सब्जेक्ट का आप यहाँ पर असाइनमेंट बना रहे हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ओपन करके कि किस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा। देखिए गाइस, दिस इज द टाइटल, दिस इज द कोर्स टाइटल, जैसे ये है मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर, दिस इज द सब्जेक्ट का नेम, जिस सब्जेक्ट का आप बना रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग टाइटल, सब्जेक्ट टाइटल, तो कोर्स टाइटल। तो यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट का नेम लिखना है, और दिस इज द कोड, आपका कोड भी मेंशन होता है, तो जब आपने इग्नू में फॉर्म फिल किया था तो उसमें लॉग इन कर लेना, लॉग इन करने के बाद आपको आपका कोड भी नजर आ जाएगा और आपके सब्जेक्ट का टाइटल भी नजर आ जाएगा। तो कोर्स टाइटल मतलब सब्जेक्ट का नेम लिखना है, और कोर्स कोड का मतलब कि जो आप जो भी आपका सब्जेक्ट उसका कोड क्या है, ये आपको सब कुछ मेंशन होता है आपके
जो आपने फॉर्म फिल किया था इग्नू में, आप सिंपली लॉग इन कर लेना इग्नू, इग्नू एडमिशन स्टेटस करके करोगे तो आपके सामने आ जाएगा वो। नेक्स्ट आपका रीजनल सेंटर कोड। अब गाइज ये रीजनल सेंटर कोड क्या है, जहाँ पे भी आपने फॉर्म सबमिट किया था एडमिशन के लिए, जहाँ पे भी आपने फॉर्म सबमिट किया था एडमिशन के लिए, उसका रीजनल सेंटर का कोड डालना होता है और इसी के नीचे आपका आता है स्टडी सेंटर कोड। तो ये रीजनल सेंटर कोड दैट इज RC कोड और स्टडी सेंटर कोड, ये दो कोड आपको डालने होते हैं। ये कोड आपको कहाँ मिलेंगे, अगर आपको नहीं पता है आपके कोड के बारे में तो आपको सिंपली लॉग इन करना है इस वाली वेबसाइट पर जो कि एडमिशन और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको आपको बताता है। सिंपली आप गूगल पे टाइप करेंगे इग्नू, इग्नू एडमिशन स्टेटस, जब आप ये लिखेंगे ना इग्नू एडमिशन स्टेटस करके तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर के आती है, जहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम कोड डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा किया है लिख करके जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आपका रीजनल सेंटर का कोड लिखा होता है कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, प्लस आपका स्टडी सेंटर कोड भी लिखा होता है। दोनों चीज़ें आपको इसमें मेंशन होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। और अगर आपको स्टडी सेंटर का नाम नहीं पता कि नाम क्या है, तो ऐसे में आप जो भी यहाँ पर कोड गिवन है, जैसे यहाँ पर गिवन है 2739, ये कोड गिवन है स्टडी सेंटर का, तो आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे 2739 इग्नू, इग्नू स्टडी सेंटर नेम, ठीक है। पहले आपको ये डालना भी है, आगे कोड डालेंगे तो लिखेंगे इग्नू स्टडी सेंटर नेम, ये लिख करके सर्च करेंगे गूगल पे, नाम आ जाएगा और उसी नाम को आपको लिख देना है। तो आप आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इन चीज़ों को फिल करना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रीजनल सेंटर कोड हो गया, स्टडी सेंटर कोड और नेम हो गया, देन आपको अपना फोन नंबर लिखना है, वो फोन नंबर जो कि चालू है, अगर इनके साथ आपको कॉल करी जाती है आगे तो आप उसको पिक कर लेना, तो चालू नंबर लिखना और यहाँ पर जो आप जो भी आपकी ईमेल आईडी वो लिखना है, देन डेट डालनी है और अपना सिग्नेचर कर देना है यहाँ पर। तो ये आपका फ्रंट पेज होगा और ये असाइनमेंट के हर एक असाइनमेंट के पहले नंबर पर यही होगा। जैसे आपको 5 असाइनमेंट बनाने, तो आपको इस तरीके के 5 पेज बनाने पड़ेंगे, मतलब 5 बार आपको ये सेम पेज फिल करना पड़ेगा और पाँचों असाइनमेंट के फ्रंट पेज पर, पांचों असाइनमेंट के फ्रंट पेज पर इसी पेज को आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसके बाद गाइस यहां पर आपको सेकंड नंबर पे लगाना है आपको आईडी कार्ड। आईडी कार्ड नहीं लगाओगे तो आपका सबमिट नहीं किया जाएगा। सुन लो कान खोल करके कि आईडी कार्ड लगाना कंपलसरी है, तो इसको लगा लेना। और नहीं, अगर आपको नहीं पता कि आईडी कार्ड कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बना दूंगा ताकि आप अपना आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर लो। वैसे सबको पता होगा कहाँ से मिलेगा, नहीं पता तो कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं एक नई वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगी कैसे डाउनलोड करना होता है। तो सेकंड नंबर पे आपको अपना आईडी कार्ड लगाना है, दिस इज कंपलसरी। 5 असाइनमेंट बना रहे हो तो 5 आईडी कार्ड लगेंगे आपके, मतलब फोटोकॉपी निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना इसका, और 5 असाइनमेंट पे लगाने हैं आपको। ऐसे ही आपका थर्ड पेज लगेगा क्वेश्चन पेपर का, जो भी आप क्वेश्चन पेपर है आपका असाइनमेंट का, तो अगर 5 असाइनमेंट बना रहे हो तो 5 के आपको प्रिंट आउट निकालने हैं, 5 क्वेश्चन पेपर आपका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। 5 असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर निकालने हैं और 5 असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे अपना अपना असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो लगा देना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब गाइस फाइल कौन सी यूज करनी है, देखिए गाइस दो तरह की फाइल होती है, डंडी वाली फाइल और एक होती है ऐसी जिसमें अंदर आपका जो असाइनमेंट पेजेस वो फंस जाते हैं, तो आपको ये वाली फाइल यूज करनी है, इस फाइल को आपको यूज नहीं करना। इसका सिंपल रीजन ये है कि ये जो डंडी है वो निकल जाती है, क्योंकि वहां पर जब आप सबमिट करने जाओगे तो वहां पर पूरा का पूरा रूम भरा पड़ा होगा असाइनमेंट से, इतने ज्यादा नंबर ऑफ असाइनमेंट सबमिट होने आते हैं, तो ये डंडी निकल जाएगी, आपके पेज इधर उधर हो जाएंगे और फिर आपका जो मार्क्स है वो बहुत गंदे मिलेंगे, फिर आपके आपका जो असाइनमेंट वो चेक नहीं किया जाएगा। तो हमेशा याद रखें आपको डंडी वाली जो अंदर ये वाला है ना जिसमें आपके पेजेस फंस जाते हैं, आपको ऐसी फाइल यूज करनी है जिससे कि आपका जो पेजेस है वो निकले ना फाइल से और आराम से आपका एक एक पेज जो है वो आपका चेक कर दिया जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस आपको सबमिट कैसे करना है, वेयर टू सबमिट एंड वेन टू सबमिट, कब सबमिट करें, कहाँ सबमिट करें, तो आपको अपने इग्नू स्टडी सेंटर पे जाना है। याद रखिए रीजनल सेंटर नहीं जाना आपको, आपको स्टडी सेंटर जाना है सबमिट करने के लिए। केवल संडे को जाएं, क्योंकि इग्नू के जो जितने भी रीजनल स्टडी सेंटर है वो संडे को आपके लिए ओपन रहते हैं। आप मंडे ट्यूजडे जाओगे तो सबमिट नहीं होगा, मना कर देंगे, आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो संडे को सबमिट करने जाएं, और ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, तो गाइस देखिए जब कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करे जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ बंद पड़ा था, कॉलेज बंद पड़े थे, सब कुछ ही बंद पड़ा था, लेकिन उसके बाद से ऑफलाइन जो है सबमिट करे जा रहे हैं आज के टाइम पर। तो आप लोग ऑफलाइन सबमिट करें, वैसे एक बार पता कर लेना किसी किसी रीजनल सेंटर में जो कि खुला नहीं है, बंद है, आज भी बंद है किसी रीजन की वजह से, तो हो सकता है कि वहां पर ऑनलाइन भी सबमिट करे जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम 90 से 99% मैं कह सकता हूँ कि आप आज के टाइम पर ऑफलाइन सबमिट करे जा रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि भाई आपको जो असाइनमेंट है वो ऑफलाइन में सबमिट करोगे तो अच्छी बात है, आपका आपके हाथ में एक स्लिप मिल जाएगी जिससे आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ आपने सबमिट करा है।
तो जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे वहाँ पे आपको एक स्लिप दे दी जाएगी और उस स्लिप को एज ए प्रूफ आपके पास आपको अपने पास रखना है। जब तक कि आपके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में चढ़ नहीं जाते असाइनमेंट के, तब तक आपको उस स्लिप को खोना नहीं है। आपने स्लिप खो दी तो आप गड़बड़ कर दोगे, नहीं तो फिर आपके असाइनमेंट आपके मार्क्स अगर बाद में नहीं चढ़ते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रूफ भी नहीं रहता कि किस तरीके से सबमिट किया था आपने, कब कब सबमिट किया था। तो ये चीज़ गाइस आपको याद रखनी कि रीजनल सेंटर विजिट करना है, अपनी स्लिप अपने हाथों में रखना है, उसको सेफ रखना प्रॉपर तरीके से, ताकि अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत भी आती है तो फिर आपको आप उसको यूज़ कर सकें। अब गाइस देखिए, सबमिट कब करें, सबमिट मतलब लास्ट डेट क्या होती है असाइनमेंट सबमिट करने की इग्नू में। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, इग्नू पे लिखना है यहाँ पर, और क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो आपको सिंपली गूगल पे लिखना है इग्नू असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, तो ये वाली वेबसाइट आ जाएगी जो पहले नंबर पे आएगी वेबसाइट, ये इग्नू की खुद की वेबसाइट है। जब आप इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा कर रहे हो आप या सर्टिफिकेट कर रहे हो, सभी तरह के यहाँ पर लिंक गिवन है। सपोज करो मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं मास्टर डिग्री पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। और जैसे ही ओपन होकर के आएगा इसमें आपको चूज करना है कि आपका मास्टर डिग्री कौन सी है। सपोज करो मेरी मास्टर डिग्री है MP, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके असाइनमेंट की क्या कोड है आप चेक कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोड होते हैं, जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कोड गिवन है कि MS1 है, MS2, MS4, MS6। तो आपको यहाँ से चेक कर लेना कि आपको असाइनमेंट कौन कौन से बनाने हैं, और उसके बाद आपको आना है यहाँ पर। देन उसके बाद वही असाइनमेंट जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है उस लिंक पे क्लिक करके। तो मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। सपोज करो मैं MS1 ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से जो है ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन पेपर है। ये बताया जा रहा है कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। आप देखिए क्वेश्चन पेपर में आपकी लास्ट डेट मेंशन होती है कि कब सबमिट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है सबमिट करने की, और जुलाई सेशन की, और 30 अप्रैल है आपके जनवरी वाले सेशन की। तो ये दोनों की जो है मतलब दो अलग अलग सेमेस्टर के यहाँ पर डेट मेंशन होती है, जो भी आपका सेमेस्टर है तो उससे पहले आपको सबमिट कर देना है। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर डेट एक्सटेंड कर दी जाती है, 10 दिन 15 दिन के आसपास डेट दोबारा से एक्सटेंड कर दी जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इस लास्ट डेट से पहले सबमिट कर दें। इनकेस अगर डेट नहीं करी जाएगी एक्सटेंड तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर जिसको कि आपको डाउनलोड करना है, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपको इन सभी क्वेश्चन को जो है लिखना है अपने असाइनमेंट में। अब गाइस लिखना किस तरीके से ये मैंने आपको बताया था दूसरी वीडियो में, उसके लिए आप मेरी दूसरी वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट कैसे बनाएं, लिखें कैसे, मैंने आपको ये बताया था कि, और आंसर कहाँ से मिलेगा इन क्वेश्चन पेपर का, तो मैंने इसके बारे में इस वाली वीडियो में बात कर रखी। तो आप इस वीडियो को देख लेना, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके जो आंसर हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके बारे में कंप्लीट मैंने इसके बारे में बताया हुआ था, तो इस वीडियो को गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा गाइस कॉपी चेकिंग कैसे होती है इग्नू में, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप इसको देख लेना, क्योंकि मैंने कंप्लीट एग्जाम चेकिंग प्रोसेस बताया था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता चल जाए कि कॉपी चेकिंग किस तरीके से की जाती है तो आप उस तरीके से लिख करके आओगे, इसलिए इस वाली वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। इग्नू में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, थ्योरी में कितने नंबर चाहिए, असाइनमेंट में कितने नंबर चाहिए, ये मैंने इस वाली वीडियो में बताया था, तो देख लेना कि न्यू पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा है। और जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट होता है अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो विदाउट बुक पढ़े आप विद इन 7 डेज आप किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी थी इस वाली वीडियो में। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अदरवाइज आप हमारे चैनल पे विजिट करोगे तो वहाँ पे भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे देखने को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड गाइज शेयर दिस वीडियो टू ऑल इग्नू स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ऐसे मित्र हैं जो कि एडमिशन ले चुके हैं फिर लेने वाले हैं इग्नू में, तो उनके साथ सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैंने हर एक एस्पेक्ट को कवर किया यहाँ पर असाइनमेंट से रिलेटेड। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, तो वहाँ पर रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। और गाइज अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, बिकॉज वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, और गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो में इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल, थैंक यू सो मच।